एक्स एक्सिस यानी कि बेस के अकॉर्डिंग तो हो जाएगा इसका बी एच क्यू वाई 12, और यदि सेंटर के बाहर निकालना चाहो आई जी जी तो जी जी के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी एच क्यू बाई 36। ठीक, तो ये हो गया अपना ट्रायंगुलर सेक्शन का। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, इन सारे केसेस को अपन पढ़ लेंगे और ये सारे जो फॉर्मूले हैं वो अपन को याद रखने हैं, है ना। तो अब अपन करते हैं एक डायग्राम यानी एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर अपन निकालेंगे एक्स एक्सिस और आई वाई वाई कैसे निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन किसी भी सेक्शन का कैसे निकाल सकते हैं, कोई कंपोजिट सेक्शन है, और कैसे अपन पैरेलल एक्सिस थ्योरम को भी अपन अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे अभी अपन, है ना। तो मैं न्यूमेरिकल बना लेता हूँ फटाक से, फिर उसको अपन करेंगे सॉल्व आराम से। और सारे डाउट उनके जितने भी फॉर्मूले अपन ने लगाए हैं, अभी रेक्टेंगल की बात करेंगे तो रेक्टेंगल के सारे काम आ जाएंगे, है ना। तो अभी ये क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। डिटरमाइन द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए गिवन फिगर। यानी कि आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर सारी डायमेंशन मेंशन की हुई हैं और आपको उसका निकालना है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, तो डायग्राम है ये, उसकी एक साइड हो गई और ये साइड है उसकी 80 mm। इसकी जो थिकनेस अपन को दे रखी है 12 mm। ये इसकी एक साइड है और ये बॉटम पोर्शन है। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है वो है इसकी 120 mm। टॉप से लेके और बॉटम तक की जो डिस्टेंस है वो है अपनी 150 mm। बैग की जो थिकनेस है, इसकी जो चौड़ाई दे रखी है 12 mm, और इसकी जो थिकनेस दे रखी है अपन को 10 mm। ठीक है, ये एक डायग्राम अपन को दिया हुआ है जिसके अपन को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है। ठीक है साहब, तो इसका अपन को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो जो कि मैंने अभी आपको बताया है, क्या होता है भाई पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई जेड जेड। ठीक है, और आई जेड जेड जो होता है वो क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। यानी आपको पहले आई एक्स एक्स निकालना पड़ेगा, उसके बाद में आई वाई वाई निकालना पड़ेगा, और उन दोनों को अपन यदि जोड़ देंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखो आई एक्स एक्स क्या है और आई वाई वाई क्या है। तो आई एक्स एक्स होगा जो भी इसकी कहीं से सी जी से काट के जाएगा, यानी इसकी कहीं सी जी होगी, एक इस एक्सिस में इसकी कहीं एक सी जी होगी, और उससे जो निकल के जा रहा है वो आई एक्स एक्सिस है। और इसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो इसकी सी जी कुछ इस तरह से होगी, तो ये अपना क्या हो गया, आई वाई वाई। तो देखो जैसा कि अपन को सबसे पहले अपन डायग्राम को देखें तो अपन को क्या दिख रहा है कि भाई इस एक्सिस की यदि बात कर रहे हैं अपन ऐसे, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस यानी कि जो ऊर्ध्वाधर एक्सिस है इसकी जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये मेरा डायग्राम कैसा है, सिमिलर है। जिसको मैं ऐसा काट रहा हूँ तो ऐसा ही इधर है और ऐसा ही इधर है। तो यानी कि जो गिवन फिगर है उसके अंतर्गत क्या है, आई वाई वाई जो है, ठीक है, वो इस लाइन के अकॉर्डिंग डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट जिसकी सी जी है वो कहाँ है, सेक्शन के पूरे मिड में है। ठीक है, मिड में यानी कि आधी डिस्टेंस पर है। जबकि इसमें क्या दिख रहा है, देखो अपन को ऊपर वाला पोर्शन क्या छोटा है और नीचे वाला पोर्शन क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब इसकी सी जी कहाँ होगी, सी जी कुछ अलग डिस्टेंस पे होगी। इसकी सी जी क्या होगी भाई, कुछ अलग डिस्टेंस पे होगी, यानी इसके बीच में नहीं होगी। तो अपन मान लेते हैं कि इसकी जो सी जी है वो कितनी डिस्टेंस पे है भाई, ये बाई बार डिस्टेंस पर है, कहाँ से, बॉटम से। ये भी कर सकते हैं। अब स्टार्ट कैसे करें, सबसे पहले तो देखो अपन को सबसे पहले तो क्या निकालना भाई, ये आई एक्स एक्स जो है ये किसके अबाउट है, यानी कि ये सी जी के अबाउट है। तो सबसे पहले तो सी जी निकालनी पड़ेगी, है ना।
और कल के क्वेश्चन में अपन ने एक सीजी निकाली भी थी, तो सीजी के अंदर अपन क्या देखा था भाई, अपन यदि किसी भी पोर्शन की सीजी अपन को निकालनी होती है, देखो या तो ये सिमेट्रिकल, इसके तो अबाउट ये आधी हो गई, लेकिन इसके अबाउट क्या है, सेम नहीं है, जैसा जैसा ऊपर है वो नीचे वाला पोर्शन बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है। तो यानी अपन सबसे पहले थे बॉटम से सीजी निकालनी, और सीजी का एक सिंपल सा फॉर्मूला कल बताया था मैंने, बाई बार क्या होता है भाई, ए वन बाई वन प्लस ए टू बाई टू प्लस ए थ्री बाई थ्री होता है। ये अपन ने कल पढ़ा था, अपॉन में ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, ये होता है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है इसको तीन पोर्शन में तोड़ देंगे, है ना। तो तीन पोर्शन में तोड़ देते हैं, क्योंकि तीन में क्यों तोड़ रहे हैं अपन, कि अपन को तीन रेक्टेंगुलर मिल जाएंगे, एक ये पोर्शन मिल जाएगा, एक यहाँ से लेकर यहाँ तक का मिल जाएगा, और एक नीचे वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ, जैसे कि पहला पोर्शन जो हो गया वो ये वाला हो गया, पहला वाला, ठीक है। तो इसको तो मैंने कह दिया ए वन, सेकेंड वाला मैंने लिया वो ये वाला ले लिया, इसको दे दिया नाम ए टू, और इसको नाम दे दिया भाई ए थ्री, यानी कि नीचे का जो पोर्शन बच गया उसको नाम क्या दे दिया अपन ने, ए थ्री। ठीक है, अब अपन निकाल सकते हैं सारी चीज़ें। तो भाई सबसे पहले तुम्हें ए वन एरिया निकाल लेते हैं, तो ए वन क्या हो जाएगा भाई, ए वन यानी कि लंबाई तो कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक 80, और चौड़ाई क्या हो गई 12, तो 80 गुणा 12 तो कितना हो गया, 12 अट्ठे कितना होता है भाई, 96, तो ये हो गया 960 mm स्क्वायर। तो ए वन में तो मेरे हिसाब से कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। सिंपल क्या करना है भाई, 80 गुणा 12 बराबर 960। उसी तरह से अपन बात करते हैं ए टू की। देखो ए टू क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और जबकि अपन को ये जो डिस्टेंस दी हुई है, यानी ये दूरी दी हुई है ऊपर के टॉप से नीचे के बॉटम तक, तो बीच वाली निकालनी, तो क्या करूँगा, 12 तो ये और 10 ये, इसको कर दूँगा माइनस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई भाई, 12, 150 में से 10 गए तो 140, और 12 और चले गए तो 128, यानी कि 128 × 12, तो ये क्या आ जाएगा अपना A2। तो कैलकुलेट करिएगा इसको, तो कैलकुलेट जब अपन करेंगे तो A2 की वैल्यू आ जाएगी अपनी कितनी, 1536 mm2, ये इसकी A2 की वैल्यू आ गई। अब ऐसे अपन क्या निकालेंगे, A3। तो A3 तो क्या है, नीचे वाला पोर्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक क्यों दे रखी 120, और ये दे रखी 10, तो कितना हो गया 120 गुणा 10 कितना हो गया भाई, 1200 mm2। ठीक है, तो ए वन ए टू ए थ्री तो निकाल लिए, अब अपन को निकालने क्या, बाई वन बाई टू बाई थ्री। तो बाई वन क्या होता है भाई, डिस्टेंस ऑफ सी जी ऑफ एरिया ए वन फ्रॉम बॉटम, यदि अपन बॉटम से लेके चल रहे हैं तो क्या बात करें भाई, ये इसके अबाउट ले रहे हैं, तो इससे इस एरिया की सी जी, इस पॉइंट से लेके इस एरिया की सी जी लेनी है। तो अब कैसे निकाल सकते हैं, अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 10, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 128 अभी निकाली, और ये इसका आधा, तो अपन कैसा कर सकते हैं, तो बाई वन की वैल्यू में रख दूंगा 10 प्लस 128 प्लस, अब ये तो पूरा एरिया है यहाँ से, तो इसकी रेक्टेंगल की सी जी कहाँ होगी, आधे पे होगी, तो 12/2, तो ये कितना आ गया भाई, 144 mm। तो ये तो क्या आ गई, बाई वन, उसी तरह से बाई टू। तो बाई टू क्या है, सेकंड वाले एरिया की सी जी, कहाँ से, बॉटम से, तो ये डिस्टेंस तो आएगी, यानी कि ये तो मैंने लिख दिया सीधा 10 प्लस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 128 है, तो 128 का आधा, यानी कि 128 का हाफ, तो कितना हो गया भाई, 64 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, यानी कि 74 mm। ठीक है, बाई टू समझ में आ गई कैसे निकालनी है, उसी तरह से अपन निकाल देंगे बाई थ्री। तो बाई थ्री क्या रहेगी भाई, ये तो नीचे वाला पोर्शन है, इसी के आधा, यानी कि 10/2 बराबर 5 mm। तो इस तरह से अपन क्या निकाल लिया, बाई वन बाई टू बाई थ्री, ए वन ए टू एंड ए थ्री, ये सारी चीज़ें अपन ने यहाँ कैलकुलेट कर ली। फिर अपन को क्या निकालना है, बाई बार की वैल्यू निकालनी है, बाई बार यानी कि
क्या है, सी जी है बॉटम से, तो बाई बार में वैल्यू रख देते हैं। बाई बार क्या है, ए वन इंटू बाई वन, तो ए वन कितना हो गया 96960 गुणा बाई वन, सॉरी यहाँ पर निकाल रहे हैं बाई बार है ना, तो 960 इंटू बाई वन, बाई वन कितना है अपना 144, 144 प्लस ए टू, ए टू कितना है भाई 1536 इंटू बाई टू, बाई टू है अपनी 74 प्लस ए थ्री, ए थ्री कितना है भाई 1200 गुणा बाई थ्री यानी कि 5, इसको कर देंगे डिवाइड एरिया से, तो एरिया क्या हो जाएगा ए वन ए टू ए थ्री, यानी कि 960 प्लस 1536 प्लस 1200, इसको अपन कर लेंगे गुणा भाग, यानी कि कैलकुलेशन कर लेंगे। जब आप इसकी कैलकुलेशन आप मोबाइल से भी कर सकते हो है ना, और यदि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ होता है तो अपन कैलकुलेटर से कर लेते हैं है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, ऊपर वाले को यदि आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अपना 257904 डिवाइड बाई टोटल एरिया, और जो टोटल एरिया आ जाएगा 960 प्लस 1200 प्लस 1536, ये आ जाएगा अपना 3696, कितना आ गया भाई 3696। और इसको जब आप डिवाइड कर दोगे, इसको इसमें डिवाइड कर देना है, तो फाइनली अपनी सी जी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 69.799, और इसको अपन अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग लिख सकते हैं 69.79 है ना, तो इसको 78 कर सकते हैं, सॉरी इतना ही आया था क्या आंसर, क्या आया इसका, इसका आया था 69.779, तो इसको अपन 69.78 mm लिख देंगे। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गई इसकी सी जी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो अपन ने निकाली है बाई बार है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 69.78 mm बॉटम से लेके, ठीक है। तो इस तरह से तो अपन ने क्या निकाली, इसकी सी जी निकाल दी। अभी अपन को क्या निकालना है भाई, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई की वैल्यू अपन को यहाँ से निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आई एक्स एक्स की वैल्यू, तो आई एक्स एक्स की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे, इसको मैं एक बार रख कर देता हूँ, डायग्राम तो अपने काम आएगा तो इसको छोड़ देते हैं, अभी जो चीज़ अपने काम नहीं आने वाली है उसको अपन मिटा देते हैं, ठीक है। ये चीज़ अपने यहाँ सारी लिखी ली अपन ने, बाकी अपने पास लिखी हुई है, आपके पास तो है। चलो भाई अब क्या निकालना है अपन को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स, यानी इस एक्सिस के अबाउट अपन निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है सर। तो देखो अब इसको आई एक्स एक्स जो है आई एक्स एक्स, अब इसमें देखो तीन पोर्शन है, क्या क्या है, एक ऊपर वाला पोर्शन है, एक दूसरा ये वाला पोर्शन है, और तीसरा ये वाला पोर्शन, तो तीनों को ही ऐड करना पड़ेगा, यानी कि आई एक्स एक्स वन प्लस आई एक्स एक्स टू प्लस आई एक्स एक्स थ्री, इन तीनों ही पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट, इसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है सर। तो देखो सबसे पहले यदि ऊपर वाले पोर्शन की बात करूँ, यानी कि आई एक्स एक्स वन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि इस वाले एरिया का क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो भी इसके अबाउट, तो एक तरह से अपन क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, यानी इसकी सी जी के अबाउट तो क्या हो जाएगा डायरेक्टली, अभी रेक्टेंगल सेक्शन है तो रेक्टेंगल सेक्शन का क्या होता है बी डी क्यूब बाई 12, और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के बाद क्या रहता है ए एच स्क्वायर, यही आएगा, वन वन कर देते हैं है ना, तो ए वन एच वन का स्क्वायर, तो बी बिट तो क्या हो गई यहाँ से यहाँ तक की 80 हो गई भाई है ना, तो बिट तो हो गई इसकी 80, डी कितनी होगी डेप्थ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये होगी अपनी 12 का क्यूब अपॉन में 12 प्लस, अब एरिया कितना हो गया इसका 80 इंटू 12 80 इंटू 12 इंटू एच, अब देखो एच वन है ना, तो एच वन क्या थी भाई, इसकी सी जी की डिस्टेंस जिसके और किससे जिसके अबाउट ले रहे हैं, तो यानी यहाँ से लेके
और यहाँ तक कि मिड की दूरी जो होगी, ठीक है, वो होगी। तो कैसे निकाल सकते हैं आप भाई, यहाँ से यहाँ तक का बॉटम आपको पता है कितना है भाई, 69.78। कितना है भाई, 69.78। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि जो भी सीजी आती है बाई बार जो आता है, या फिर आप ऐसे कर सकते हो बाई वन माइनस के बाई बार, सिंपल आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली कि जो भी आपकी बाई बार थी उसमें से इस पोर्शन को माइनस कर दो, कि बाई बार बाई वन कहाँ थी, यहाँ तक की थी, जो बाई वन थी वो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस थी, उसमें से इसको अपन ने माइनस कर दिया तो ये वाली डिस्टेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो अब बाई वन कितना था, बाई वन था अपना 144 माइनस के 69.78, और इसका भी क्या कर देना है स्क्वायर, ठीक है। तो 80 इंटू 12 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 80 इंटू 12, ये एरिया हो गया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका एरिया, और ये हो गया इसका एच का स्क्वायर, और ये हो गया अपना क्या बी डी क्यूब बाई 12। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, फर्स्ट पोर्शन का निकालेंगे आई एक्स एक्स। तो अब इसको आप कैलकुलेट करो, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के लिए अपन को कैलकुलेटर यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो अब जब भी कैलकुलेटर यूज करो, इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेना, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 5.3 इंटू 10 की पावर 6 mm4। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इसके लिए कैलकुलेटर। तो ये तो अपन ने क्या किया, आई एक्स 11, उसी तरह आई एक्स 22, यानी कि अब सेकेंड वाली पोर्शन की बात करें, यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करेंगे अपन। तो एक तो वो है ही बी डी क्यूब बाई 12। तो अब इसके लिए देखो बिड्थ क्या है, बिड्थ तो यही वाली आएगी, है ना। तो बिड्थ तो हो जाएगी कितनी, 12, और डेप्थ क्या हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डेप्थ हो जाएगी। तो ये डेप्थ कितनी हो गई, 128 का क्यूब इंटू 12 प्लस वही एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, 128 इंटू 12 इंटू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर आपकी बार क्या कर देंगे, जैसे यहाँ पर बाई वन इंटू बाई बार का स्क्वायर किया था, तो इसकी बार क्या कर देंगे, बाई टू माइनस बाई बार का स्क्वायर, बस वैल्यू रखनी। तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 12 इंटू 128 का क्यूब अपॉन 12 प्लस 128 इंटू 12 इंटू बाई टू की जो वैल्यू थी वो थी 74 माइनस के 69.78 का स्क्वायर। इसको भी अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आई एक्स एक्स 2 की वैल्यू आ जाएगी, और ये जो वैल्यू आएगी आई एक्स 22 की वो आएगी 2.12 इंटू 10 की पावर 6 mm4। तो ये तो अपन ने क्या निकाल लिए, आई एक्स एक्स 22। अभी अपन निकालेंगे आई एक्स 33। क्या निकालेंगे भाई, आई एक्स एक्स 3, आई एक्स एक्स 3, ठीक है सर। अब यानी कि ये वाला पोर्शन की अपन बात कर रहे हैं, तो ये वाले पोर्शन के लिए सबसे पहले तो वही बी डी क्यू बाई 12। तो b तो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है इसका, तो 120। d कितना है भाई, डेप्थ इसकी 10, तो 10 का क्यूब अपॉन में 12 प्लस ए एच स्क्वायर। तो एरिया तो क्या हो गया, 120 गुणा 10 इंटू एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर भाई, अब जैसे इसमें क्या कर देंगे अपन, बाई 3, है ना, बाई जैसे बाई 1 माइनस बाई बार, तो बाई 2 माइनस बाई बार, बाई 3 माइनस बाई बार। तो बाई 3 की डायरेक्टली वैल्यू रख देता हूँ मैं, बाई 3 की वैल्यू आ जाएगी 5, और बार की वैल्यू है अपनी 69.78। देखो यहाँ से नेगेटिव में आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस का यदि नेगेटिव साइन है, ठीक है, ऋणात्मक साइन है, उसको यदि स्क्वायर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे वाई एक्स एक्स 3 की वैल्यू, और जो कि वैल्यू आएगी अपनी यहाँ से 5.04 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6 mm4। तो फाइनली आई एक्स एक्स क्या आ जाएगा, तीनों को समेशन, ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू तो कितनी आई थी, 5.3 इंटू 10 की पावर 6 प्लस
आई एक्स एक्स टू की वैल्यू क्या आई थी 2.12 × 10⁶ और आई एक्स एक्स थ्री की वैल्यू आई 5.4 × 10⁶। इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा वो आएगा अपना 12.46 10⁶ mm4। देखो कैलकुलेशन है थोड़ी, करनी पड़ेगी अपन को, है ना। तो इस तरह से अपन ने क्या निकाल लिया, ये आई एक्स एक्स निकाल लिया। अब उसके बाद अपन निकालेंगे क्या, आई वाई वाई। क्या निकाल देंगे भाई, आई वाई वाई। अब आई वाई वाई कैसे निकलेगा, जैसे अपन ने आई एक्स एक्स को निकाला है उसी तरह से अपन क्या करेंगे, आई वाई वाई निकालेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं रफ कर देता हूँ उसको। तो अब अपन निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ गिवन सेक्शन, ऑफ गिवन सेक्शन अबाउट बाई बाई एक्सेस। ठीक है, बाई बाई यानी कि ये वाली एक्सेस है। तो देखो अभी अपन ने बताया था ड्यू टू सिमेट्री, अपन कह सकते हैं चूंकि, या फिर हैंस कह सकते हो, हैंस द सेक्शन, हैंस द सेक्शन इज सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अबाउट दी बाई बाई एक्सेस। देखो इस एक्सेस के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिकल यानी कि ये बीच वाली लाइन जिसकी जा रही है तो उसको दो पार्ट में बराबर बराबर तोड़ रही है, और इसी एक्सेस के अबाउट अपन को क्या लेनी है, सी जी लेनी है। तो इसके अंदर जो अपन वो टर्म लिखी थी आई एक्स एक्स वाली, ए एच स्क्वायर वाली, वो नहीं आएगी। यानी इसका जो आई वाई वाई जो रहेगा वो इसके सेंटर वाला ही रहेगा, यानी कि सिर्फ तीनों पोर्शन को अपन क्या कर देना, इस तरह से देख लेना है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर आई वाई वाई की, तो वही अगेन तीन ही आएंगे इसमें भी, आई वाई वाई वन प्लस आई वाई वाई टू प्लस आई वाई वाई थ्री। ठीक है, लेकिन आई वाई वाई वन जो रहेगा, जैसे मैं बात करूँ आई वाई वाई वन, तो ये क्या होगा, देखो आपको ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये एक मेरा एक पोर्शन है, ये एक पोर्शन है, और इसका इस एक्सिस के अबाउट मेरे को क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना। तो ये इसके बीच में सेंटर से गुजर रहा है, अब इसके अबाउट लेना है, है ना, इसके अबाउट लेना है। तो आप इसको यदि मैं रोटेट कर दूँ, ठीक है, रोटेट मतलब घुमाना होता है, यदि मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो ऐसे घुमा दूँ मुझे कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, जिसमें ये लंबी वाली साइड कितनी है, इसकी 80 है, और ये कितनी है, 12 है, सिंपल। तो वही बी कितना हो जाएगा इसके लिए, अब बी कितना हो गया 12 और डी कितना हो गया 80। तो इस तरह से अपन डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ करेंगे इन चीज़ों को, है ना, ये डायरेक्टली अपन इन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ करने वाले। तो अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई वाई वन, तो आई वाई वन के लिए देखो बी तो कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, और डी हो गया उल्टा, है ना। तो 12 बी इंटू 80 हो गया डी क्यू अपॉन में 12 प्लस ये एच स्क्वायर आएगी नहीं, क्योंकि अब इसकी इसी लाइन, ये तो सी जी है और सी जी से डिस्टेंस तो 0 है, यानी ए एच स्क्वायर वाली टर्म इसके अंतर्गत नहीं आएगी। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कितना, 12 इंटू 80 का क्यूब अपॉन में 12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा अपना 521 × 10³, और यदि आप इसको भी 10⁶ में लेना चाहो तो क्या हो जाएगा भाई, 3.10 लगाना है। ठीक है, 10³ है और 6 को 3 से 6 में जाएंगे तो 0.3 लगा देंगे, यानी कि 0.521 × 10⁶ mm4। अब mm4 कैसे आया, क्योंकि देखो 1 mm 12 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो 3 और 12 का 4 mm हो गया, 4 mm 4 हो गया। तो इसी तरह से मैं आई वाई बाई 2 निकाल दूंगा। अब आई वाई बाई 2 कौन सा वाला, ये वाला पोर्शन है। तो देखो अब इसके लिए बिड्थ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक बिड्थ है, बिड्थ क्या है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक बिड्थ है, और डेप्थ कितनी है, ओनली ये वाली। तो अपन बिड्थ ज़्यादा आ जाएगी इसकी, तो बिड्थ कितनी आएगी, 128 × 12 का क्यूब अपॉन में 12। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 18.432 × 10³। इसको भी यदि 6 में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो अब 2 है यहाँ, तो 10 और आएगी अंदर, तभी तो 3 होगा, 432 × 10⁶ mm4। अब थर्ड आएगा अपना आई वाई वाई 3, यानी कि तीसरा वाला पोर्शन।
तो तीसरे वाले पोर्शन के लिए विड्थ कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितनी होगी 10, और डी कितना हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का 120 का क्यूब अपॉन में अगेन 12, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी बाई 3 की, तो वैल्यू आ जाएगी 1.44 इंटू 10 की पावर 6 mm 4। अब अपन इसको तीनों को जोड़ देंगे तो आई वाई वाई क्या आ जाएगा, आई वाई वाई 1 प्लस आई वाई वाई 2 प्लस आई वाई वाई 3। तीनों को जोड़ दिया तो तीनों को जोड़ने में क्या आएगा, 0.521 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 0.0184 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 1.44 इंटू 10 की पावर 6। इन तीनों को यदि आप जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद में जो आंसर आएगा वो रहेगा अपना 1.979 इंटू 10 की पावर 6। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, आई वाई वाई की वैल्यू आ गई। और फाइनल अपन से जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई जेड जेड, और आई जेड जेड क्या होता है, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो इनको अगेन फिर अपन को यहाँ पे जोड़ देना है, तो आई जेड जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, आई जेड जेड हो जाएगा अपना, वो अपनी आई एक्स एक्स की जो वैल्यू आई थी वो आई थी अपनी 12.46 है, तो 12.46 इंटू 10 की पावर 6 प्लस 1.979 इंटू 10 की पावर 6। तो इस दोनों को समेशन किया यानी कि दोनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद जो आंसर आया 14.439 इंटू 10 की पावर 6 mm 4। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, फाइनल पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दैट सेक्शन। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन अपने यहाँ पे बड़े क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अब यहाँ इस प्रॉब्लम में यानी इस क्वेश्चन में अपन को क्या समझ में आ गया, सी जी कैसे निकालते हैं, है ना, किसी एक्स एक्स के अबाउट कैसे निकालना है, वाई वाई के अबाउट कैसे निकालना है, और पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आगे का पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। ठीक है, धन्यवाद।